हेलो एंड वेलकम टू आज CarGuru। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एवान मोटर्स का जीरो प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर। एवान मोटर्स इंडिया एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जिसने भारत में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एक नई रेंज लॉन्च करी है। कंपनी कहती है कि इनके नए स्कूटर स्मार्ट स्कूटर्स हैं। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि इन स्कूटर्स की रनिंग कॉस्ट किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल फ्यूल यानी कि पेट्रोल पावर्ड व्हीकल की फुल कॉस्ट का सिर्फ 10% है। एवान मोटर्स कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ रोड साइड असिस्टेंस भी। इसके अलावा स्कूटर्स के फर्स्ट बैच को एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी। एवान ने जीरो प्लस की प्राइसिंग 47,000 नेक्स्ट शोरूम रखी है। इस स्कूटर में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक जिसमें सिंगल लिथियम आयन बैटरी है जो 60 किलोमीटर की रेंज देगी, और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं जिसमें डबल बैटरीज मिलती हैं और इसकी रेंज है 110 किलोमीटर। बैटरीज का चार्ज टाइम लगभग 4 घंटे है और इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। इसकी बैटरी डिटैचेबल है और इसको आप अपने घर या ऑफिस में चार्ज कर सकते हैं। जीरो प्लस में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसकी अधिकतम वजन उठाने की क्षमता लगभग 150 किलो है। इसकी स्पीडोमीटर की बात करें तो आपको एक डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपका गियर इंडिकेटर, बैटरी चार्ज, रेंज दिख जाती है। गियर इंडिकेटर से आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई ट्रांसमिशन वगैरह तो नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हैं। इसमें आपको एक शिफ्ट बटन मिलता है जिससे आप स्कूटर के पावर मोड्स टॉगल कर सकते हैं। फर्स्ट गियर में ये सबसे ज़्यादा रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। सेकेंड में थोड़ी कम रेंज पर टॉप स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर मिल जाती है, और थर्ड में सबसे कम रेंज पर 45 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड मिलती है। इसमें आपको DRL LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसका ठीक ठाक थ्रो है। राइडिंग कम्फर्ट और यूजेज की बात करें तो ये काफ़ी एवरेज फीलिंग देता है। सीट ना ज़्यादा कम्फर्टेबल है ना ही ज़्यादा रफ है। पैर रखने के लिए इसमें ठीक ठाक स्पेस भी है। हालांकि पिलियन के हिसाब से ये स्कूटर बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ना तो इसका पेलोड इतना है कि ये पिलियन सपोर्ट कर सके, और मोर ओवर पीछे इसकी एक्स्ट्रा स्टोरेज उस पॉसिबिलिटी को हैम्पर कर देती है। एक्स्ट्रा स्टोरेज इसमें 3 किलो की कैपेसिटी की है। उसके अलावा अगर इसकी सिक्योरिटी पर बात करें तो कंपनी ने खास ध्यान दिया है। इसमें आपको एक की रिमोट मिलता है जिसमें लॉक अनलॉक कंट्रोल्स और एक साइरन बटन मिलता है। स्कूटर लॉक कंडीशन में हो तो ना ही आगे बढ़ता है और साथ ही साथ एक साइरन देता है। हालांकि मेरी टेस्टिंग में एक ग्लिच मैंने एक्सपीरियंस करा था, वो ये था कि अगर स्कूटर में चाबी ना हो और हैंडल लॉक ना किया हो बट रिमोट से लॉक कर रखा हो और आप स्कूटर को मूव करें तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और कोई इसको रिमोट से तब अनलॉक करे तो इसकी मोटर थ्रॉटल को पावर दे देती है जिससे स्कूटर आगे बढ़ने लगता है। मेरे हिसाब से कंपनी इसको आगे चल के फिक्स ज़रूर करेगी। अब सवाल यह है कि स्कूटर का मकसद क्या है। मेरे ओपिनियन में ये आसपास से हल्का सामान लाने के लिए काफ़ी अच्छा है, बट उससे ज़्यादा इससे डिमांड करना इसकी कैपेसिटी के लिए नाइंसाफ़ी होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्कूटर अच्छा नहीं है। ये स्कूटर ओल्ड एज लोगों के लिए जिनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना होता, या फिर हाउस वाइज होती हैं जिनको अपना सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। ज़्यादा रेडियस में नहीं, अराउंड डेली का अगर उनका ट्रैवल 20-30-40 किलोमीटर्स भी है अगर मैक्स टू मैक्स, तब भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक सिंगल पर्सन इसमें थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकता है, एंड बेसिक मूविंग अराउंड के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। मोर ओवर क्योंकि इतना इकोनॉमिकल है, आई थिंक एक काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगा। उसके साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होने के एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट तो है ही है, क्योंकि एक कन्वेंशनल इंजन में इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोटर है, और कंज्यूमेबल पार्ट्स ही इसके मतलब एक एडेड कॉस्ट लाएंगे जैसे कि ब्रेक पैड्स। सो ओवरऑल एक काफ़ी अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन है रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जिन लोगों को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। लुक्स में भी ये स्कूटर काफ़ी अच्छा है, सो आई थिंक एक काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी अगर आप इसको लेंगे तो। क्या इसके लिए आपको इसके टॉप स्पेक मॉडल के एक्स शोरूम प्राइस 67,000 खर्च करना जस्टिफाइड लगता है? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको लेना ही है तो आई रेकमेंड इसका बेस लाइन मॉडल।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।